अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है दोस्तों सारे का जायका किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो उसके लिए मुझे चाहिए दही, और इसमें दो चम्मच बेसन मिला दूंगी। उसके साथ साथ मैं मिलाऊंगी इसमें ये आपका लहसुन। लहसुन के पीसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, दो हैं। और अदरक के पीस है आधा इंची वाले। उसके साथ साथ इसमें हरी मिर्चें कुछ, और डालूंगी हल्दी, थोड़ा से धनिया के पाउडर, थोड़ा से जीरा का पाउडर, थोड़ा से गोल मिर्ची पाउडर, थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी भर। और उसके साथ साथ इसमें ढेर सारा पानी। अच्छी तरह मिला लूँगी। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा से मिर्चा का पाउडर। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही, नमक, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी। और इसको चढ़ा लूंगी चूल्हे पे, और धीमी आंच में कढ़ी को अच्छी तरह से करने के लिए छोड़ दूंगी। और कढ़ी अगर बासी खाए तो और टेस्टी लगता है। और जब तक मैं पकौड़े की तैयारी कर लेती हूँ। पकौड़े के लिए बेसन ले लूंगी, ये तकरीबन एक कप बेसन है। इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी, उसके साथ साथ धनिया पत्ती थोड़ा, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, मिर्चा का पाउडर, अब अच्छी तरह से मिला लूंगी। पकौड़े का बैटर तैयार कर लूंगी। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं करिएगा, मीडियम में करिएगा। अच्छी तरह से मिला लूंगी। पकौड़े का बैटर बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा थिक है। ये कढ़ी उबल रही है, ये धीमी आंच में तकरीबन 20 से 25 मिनट को अच्छी तरह कढ़ी को उबालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको दूसरे कढ़ी को दूसरे चूल्हे में रख लेती हूँ, और यहाँ पर पकौड़ी की तरह तैयारी करती हूँ। अब पकौड़ी तल लूंगी, मीडियम हीट में तलूंगी, ताकि पकौड़ी अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए।
पकौड़ी निकाल लूंगी। फिर मैं पकौड़ी डाल दूंगी सेकंड ट्रे। कड़ी जितना कड़ेगा उतना ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसको जितना पकाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए तो उसका नाम कड़ी है। पकौड़ी हो गई है, अब मैं निकाल लूंगी। अब पकौड़ी में पकहार डालने की तैयारी करो। तो कड़ी हमारी कितनी अच्छी तरह कड़ के कम हो गई है ये देखिए। अब इसमें मैं पकौड़ी ऐड कर दूंगी। इसको 5 मिनट के लिए इसी में छोड़ दूंगी और चलूंगी बघार के लिए। बघार में लगेगा सरसों, मेथी दाना, जीरा, सूखी लाल मिर्चें 2, उसके साथ साथ ही और करी पत्ते। बघार हमारा बन गया है। बघार को अब मैं डाल दूंगी करी में। तो चलिए मेरी कड़ी बन के रेडी हो गई है, अब मैं सर्व करती हूँ उसको। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ धनिया के पत्ते। तो मेरी कड़ी तरकारी बनके रेडी हो गई है, और आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए। चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।